बॉबी लैशली ने मिज के साथ टाइटल रीमैच में क्या एग्जांपल सेट करा, क्या हुआ जब ड्रू मैकइंटायर और शेमस फिर से एक दूसरे से टकराए, और कैसे एलेक्सा ब्लिस ने रैंडी ऑर्टन को फिर से अपने ट्रैप में फंसा के हरा दिया, सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत एक वीडियो हाईलाइट से होती है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे लास्ट वीक बॉबी लैशली ने मिस को हरा के WWE चैंपियनशिप जीत ली थी। वहीं द मिस को WWE ने आज के एपिसोड में टाइटल शॉट दिया है, एक तरह से रीमैच दिया है WWE चैंपियनशिप के लिए बॉबी लैशली के खिलाफ। अब बैक स्टेज एक इंटरव्यू में बॉबी लैशली कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो आज की रात मिज के खिलाफ पूरे लॉकर रूम के लिए एक एग्जांपल सेट करेंगे। अब द मिज रिंग में जैसे ही आते हैं वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने WWE चैंपियनशिप खो दी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो टेक्निकली पहले से ही मैच को जीत गया था, मैं उस रात बीमार था और जो कुछ हुआ वो फेयर नहीं था। फिर मिज कहते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट मुझसे WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करने को कहता है, बट ये तो नहीं कहता है कि दो दो बार उसको डिफेंड करो। मैं आज की रात अपना टाइटल बॉबी लैशली से वापस से हासिल करूंगा। अब हमें बॉबी लैशली वर्सेस द मिज के बीच WWE चैंपियनशिप टाइटल के लिए मैच दिखा। बॉबी लैशली ने न्यू एंट्रेंस पर आज एंट्री करी। मैच शुरू होते ही बॉबी लैशली ने मिज को धोना शुरू कर दिया। रिंग साइड MVP और मॉरिसन भी मौजूद थे। बॉबी लैशली ने जैसे ही चाहा वैसे मिज को उठा उठा के पटका और तबीयत से मारा। मिज ने भी कोशिश करी बट वो बॉबी लैशली के खिलाफ कोशिश ही रह गई। बॉबी लैशली ने एंड में मिज को हर्ट लॉक लगा के मैच जीत लिया और टाइटल यहां रिटेन कर लिया। अब शो बैक स्टेज गया जहां ड्रू मैकइंटायर दावा करते हैं कि मैं टाइटल के लिए दावेदार हूं और मैं बॉबी लैशली का सामना करूंगा। तभी शेमस ने आके ड्रू मैकइंटायर पर अटैक कर दिया। शेमस दावा करते हैं कि ड्रू मैकइंटायर के साथ मेरा सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके कुछ देर बाद ही बैक स्टेज ड्रू मैकइंटायर एडम पियर्स से शेमस के खिलाफ नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच की डिमांड करते हैं और एडम पियर्स उन्हें मैच दे भी देते हैं। अब बैक स्टेज हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन और आर्ट्रूथ साथ दिखाई दिए, जहां आर्ट्रूथ ब्रॉन स्ट्रोमैन से हेल्प मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे बैट बनी से अपना 24/7 टाइटल वापस चाहिए। ब्रॉन स्ट्रोमैन थोड़े हैरान से दिखाई दिए और सोचा कि ये चल क्या रहा है। ब्रॉन स्ट्रोमैन आर्ट्रूथ को रोकते हैं और कहते हैं कि मैं शेन मैकमैन से मिलने जाऊंगा ताकि चीजें सही हो सकें। आर्ट्रूथ कहते हैं ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ था, और उन्होंने शायद फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन की मेमोरी को रिफ्रेश करने का भी काम करा और मैन इन ब्लैक का जिक्र भी करा। इसके बाद मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्री होती है। वो आके शेन मैकमैन को बुलाते हैं और कहते हैं कि आके एक्सप्लेनेशन दो और आके मुझ पर हंसो। फिर वो मैकमैन को धमकाते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, थोड़ी रेस्पेक्ट की डिमांड भी करते हैं। शेन मैकमैन की अब एंट्री होती है और वो आके ब्रॉन स्ट्रोमैन से माफी मांगते हैं और फिर जाने लगते हैं। तभी वो रुक जाते हैं और पीछे मुड़ते हैं, मानो जैसे कि कुछ कहना चाहते हो। ब्रॉन स्ट्रोमैन डिमांड भी करते हैं कि वो कुछ कहें, बट शेन मैकमैन कुछ भी यहाँ नहीं कहते हैं। इसके बाद हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस शेमस के बीच नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच दिखा। सबसे पहले शेमस की एंट्री होती है, वो स्टेज पर अपनी एंट्री पर टशन दिखा ही रहे थे, तभी ड्रू मैकइंटायर आके उन पे अटैक कर देते हैं और मारते मारते रिंग में लेके आते हैं। काफी देर मार खाने के बाद शेमस भी पलटवार करते हैं। दोनों ही मैच में काफी अग्रेसिव दिखाई दिए। रिंग के बाहर स्टील स्टेप्स, चेयर, अनाउंस टेबल और फिर कैंडो स्टिक भी इनके बीच चलती दिखाई दी। दोनों ने जम के एक दूसरे के खिलाफ इसका यूज भी करा। अच्छा और एक्शन से भरपूर मैच दिखा इनके बीच। अब रिंग के बाहर शेमस ड्रू मैकइंटायर को ब्रॉक किक देकर ढेर करते हैं और फिर दोनों ही स्टील स्टेप्स उठा के आपस में टकरा जाते हैं और दोनों ही चित हो जाते हैं। मैच रेफरी यहीं रुकवा देता है और मैच बिना रिजल्ट के एंड हो जाता है। अब हमें न्यू डे की साइड से जेवियर वुड्स वर्सेस शेल्टन बेंजामिन के बीच सिंगल मैच दिखा। शुरू में ही शेल्टन ने जेवियर पर अटैक करा और अच्छे से उनपे हावी हो गए। अब पहले भी इनके बीच टैग टीम और सिंगल मैचेस हम देख चुके हैं, ज्यादा कुछ खास इस मैच में नहीं था। जेवियर वुड्स ने अचानक से मौका देख करके रोल करा और शेल्टन बेंजामिन को पिन करके मैच जीत लिया। नेक्स्ट समय स्लैपजैक वर्सेस मैट रिडल के बीच मैच दिखा। रिंग साइड अली भी मौजूद थे। अब इन दोनों के बीच मैच ज्यादा बड़ा नहीं था। मैट रिडल ने शुरू से ही स्लैप में काफी अच्छी मार दी। स्लैप ने भी मैट रिडल पर पलटवार करा, हालांकि वो रिडल के लिए काफी नहीं था। वहीं रिंग के बाहर स्लैपजैक को पिटता देख अली के एक्सप्रेशन भी देखने लायक थे। मैच के एंड में मैट रिडल ने स्लैपजैक को इस मैच में हरा दिया। इसके बाद शेन मैकमैन दिखाई दिए। वो रिंग में आके कहते हैं कि मेरे पास ब्रॉन स्ट्रोमैन से कहने को कुछ है और फिर वो ब्रॉन स्ट्रोमैन को बुलाते हैं और कहते हैं कि उसे ब्रॉन स्ट्रोमैन को बताना चाहिए कि उसके सीने पर क्या है। फिर उनका माइक काम करना बंद कर देता है, तो फिर वो नया माइक लेते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन से थोड़ा दूर जाके कहते हैं कि लास्ट वीक एडम पियर्स और ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ जो मस्ती करी थी
वो सब ब्रॉन स्ट्रोमैन के खर्चे पर था। शेन मैकमैन कहते हैं कि एक काम जो मुझे करना है, अब पता नहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन इसके बारे में बात कर सकते हैं या नहीं। शेन मैकमैन कहते हैं मुझे कुछ करवाना है और बात करनी है, बट मैं बार बार झिझकता हूँ। शेन मैकमैन ये भी कहते हैं कि मैं स्ट्रोमैन के रवैये को अच्छे से जानता हूँ, मैं उससे काफी परेशान भी हूँ। अब ये ठीक ठाक सेगमेंट था जो साफ दिखा रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन और शेन मैकमैन शायद एक साथ फ्यूचर में फ्यूड में आने वाले हैं। अब हमें एजे स्टाइल वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच एक मैच दिखा। रैंडी ऑर्टन की साइड से पहला अटैक होता है और वो एजे स्टाइल में कुछ पंचेस रखते हैं। अब रिंग के बाहर से अंदर आ रहे रैंडी ऑर्टन पर एजे स्टाइल पलटवार करते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच, दोनों ने ही काफी शानदार काम करा एक दूसरे के खिलाफ इस मैच में। दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे के हाथ और पैरों को शिकार भी कर रहे थे। अब मैच के एंड में रैंडी ऑर्टन एजे स्टाइल को आरक्यू देने की तैयारी में थे, तभी स्क्रीन पर अलेक्सा ब्लिस दिखाई दी। फिर वो एक माचिस जलाती हैं, रिंग के कॉर्नर्स में आग उठती है और रैंडी ऑर्टन के मुंह से ब्लैक ब्लैक टार निकलने लगता है। तभी एजे स्टाइल फिनोमिनल फॉरआर्म देके मैच अपने नाम कर लेते हैं। हारने के बाद अलेक्सा ब्लिस फिर से स्क्रीन पर दिखाई देके हंसती दिखाई दी। यहीं आज शो का एंड हुआ। आज के पूरे शो में ब्रॉन स्ट्रोमैन और शेन मैकमैन के सेगमेंट देखने को मिला। वहीं बैकस्टेज भी WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को कुछ टाइम दिया। अब जो कुछ पिछले कुछ वीक से इनके बीच दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि जैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन और शेन मैकमैन WrestleMania 37 के लिए एक साथ फ्यूड में आ सकते हैं। वहीं WWE ने मिज को बॉबी लैशले के खिलाफ WWE चैंपियनशिप टाइटल के लिए रीमैच देके अब मिज को इस स्टोरी लाइन से साइड कर दिया है। अब मिज ये भी नहीं कह सकते हैं कि उन्हें बॉबी लैशले के खिलाफ हारने के बाद रीमैच नहीं मिला। वहीं शेमस और ड्रू मैकइंटायर के बीच मैच काफी अच्छा और जबरदस्त था, बट जिस तरह का एंड इन दोनों के बीच दिखा है, उससे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच हिसाब फास्ट लेन में ही बराबर होने वाला है। मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल के बीच खेला मैच भी अच्छा था, बट हर बार की तरह अलेक्सा ब्लिस का डिस्ट्रैक्शन ने रैंडी ऑर्टन को हारने पर मजबूर कर दिया। वहीं रैंडी ऑर्टन के मुंह से फिर से ब्लैक ब्लैक टार आता दिखाई दिया और अलेक्सा ब्लिस ने फिर आग से रैंडी ऑर्टन को एक झटका दिया। आज के एपिसोड ठीक ठाक था, जिसमें लिमिटेड और सेलेक्टिव चीजें ही देखने को मिली। उम्मीद है शो आप सभी को पसंद आया होगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर कैंडोस्टिक आरकेओ और फिनोमिनल फॉर आर्म देके चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।